तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे थे इंतजार मोटो G5S प्लस के एक और अपडेट का, तो यार वो आ चुका है और क्या उसमें आपको मिलता है मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टैक। तो बिना समय गवाए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। चार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा यार, जनवरी का जो सिक्योरिटी पैच था 2018 वाला, उसमें काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम और वाईफाई में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आई थी। तो अभी जो कल ही एक सिक्योरिटी पैच किया है मोटोरोला ने रिलीज़ मोटो G5S प्लस के लिए, तो उसमें जो वो प्रॉब्लम है वो कर दी है फिक्स, यानी कि अब आपको बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो नेक्स्ट चीज़ है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी, जैसे कि आप लोग कॉल करते थे तो एकदम से नेटवर्क गायब हो जाते थे, अब वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो वाईफाई की है वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हो चुके ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप कर दीजिए इसे फटाफट अपडेट। और बस अब देखते हैं यार ओरियो का अपडेट कब तक आता है, मेरे को आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है ओरियो का अपडेट कब तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को आई होगी ये वीडियो पसंद, अगर आई है ये वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।